आवश्यक है कि आप यदि नेड़ी गुड़ से गन्ना बोते हैं तो अपनी गन्ने की दूरी अवश्य बढ़ाएं। एक चीनी मिल के आंकड़े बताते हैं कि हमारे क्षेत्र के वे गांव जो 100% या 90% दूरी से गन्ना बोते हैं, जैसे तिसोतरा गांव है या मानपुर है या बहेड़ा है या बहादुर प्रोजेक्ट है, उनकी जो औसत सप्लाई है पर बीघा जी वो ज्यादा है, ज्यादा है। उन गांवों से ज्यादा है जो नेड़ी गुड़ किसान के जो साथी हो या एमबी पिलाओ है, एमबी पिलाओ है। और उधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर ये रेड टोन मैंने रखा है। कुलवीर ताऊ जी को इसका बहुत ही अच्छा ज्ञान है, किसी दिन इसकी अलग से ही वीडियो बनाएंगे हम। ये तारा वालों के हैं किसान भाइयों। देखो उत्तम सुगर मील बरकतपुर बिजनौर, और आपको इधर दिखा देता हूँ मैं। देखो कितना साफ सुथरी व्यवस्था, बहुत ही अच्छी है मील की व्यवस्था, बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल खाली पड़ा जी, बिल्कुल साफ खाली पड़ा है बिल्कुल। देखो जो आ रहा है तोल तोल के जा रहा है। और कुछ हमारे अधिकारी लोग हैं अंदर, उनसे बातचीत करेंगे। चलते हैं किसान साथियों, कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। देखो और अंदर से भी मैं आपको थोड़ी बहुत और दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। किसान साथी देखो, कोरोना का वो था, इसमें वो रहता है सैनिटाइज, बिल्कुल देख ही सकते हो कितनी बढ़िया। और उधर चलते हैं, चलते हैं, बहुत ही बढ़िया हो। देखो कितना साफ सुथरा, बिल्कुल बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और इधर दिखा देता हूँ मैं, ये देखो बहुत ही बढ़िया। देखो देखो कितनी साफ व्यवस्था, बहुत ही बढ़िया कर रखी है। इधर चलते हैं, रोड तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्यवस्था, रोड की तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, तो साफ सुथरा बना हुआ है रोड। और ताऊ जी हमारा बहुत ही, देखो बहुत ही इतना समय दे रहे हैं, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ताऊ जी का हम। इधर चलते हैं, गन्ना विकास विभाग, उधर लेजर रखे हैं, उनकी भी कुछ कृषि यंत्र रखे हैं, उनकी भी कुछ जानकारी ले लेंगे। किसान भाइयों गन्ना विकास विभाग अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारा छोटा सा चैनल है यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं किसान चेतना। तो आपका जी शुभ नाम जी? मैं अरविंद सिंह है, जीएम के बरकतपुर चीनी मिल में काम करता हूं जी। अच्छा, लगभग 4 साल से इस चीनी मिल में काम कर रहा हूं, इसके पहले मेरी लगभग 23 साल की मेरी सर्विस हो चुकी है जी। मैं जी डब्ल्यूएम के बारे में जानकारी देना का कष्ट करो थोड़ा सा। बरकतपुर एक ऐसी चीनी मिल है जो पिछले 4 साल से प्रदेश में नंबर वन है जी। बरकतपुर को लगभग 38,000 किसान गन्ना सप्लाई करते हैं, और 30,000 हेक्टेयर का केन एरिया हमारे पास, 29,500 हेक्टेयर का केन एरिया है जी। बरकतपुर ही उत्तर प्रदेश की ऐसी अकेली चीनी मिल है जिसमें लगभग 60% गन्ना डिस्टेंस प्लांटिंग से बोया जाता है, यानी कि 4 फीट और उससे ऊपर जी की दूरी है जी। तो बरकतपुर इज द ओनली फैक्ट्री जो 4 फीट पे 60% एरिया कवर करती है जी। और हमारे फैक्ट्री क्षेत्र के बहुत सारे गांव जी 100% दूरी पे गन्ना लगा के अपनी पैदावार बढ़ाते हैं जी। पिछले 4 साल से बरकतपुर उत्तर प्रदेश में रिकवरी में भी नंबर वन है जी। तो ये इस बात का सूचक है कि हमारे किसान जो गन्ना बोते हैं वो हेल्दी गन्ना बोते हैं, उसमें सारे प्लांट प्रोडक्शन करते हैं, जिसका फायदा किसान को पैदावार के रूप में मिलता है और फैक्ट्री को पैदावार और रिकवरी दोनों के रूप में जी, जी। गत वर्ष बरकतपुर ने अपने इतिहास का सबसे ज्यादा गन्ना क्रश किया था, 1,44,00,000 क्विंटल जी। और बरकतपुर ही अकेली ऐसी फैक्ट्री है कि जिसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 102% है, जितनी हमारी क्षमता उसका 102% गन्ना हम क्रश करते हैं जी। पिछले में बरकतपुर ने डेवलपमेंट में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं जी। हम कृषकों को अपने यहाँ से जो मैली निकलती है जी, ये कृषकों को प्रोवाइड कराते हैं, और कृषक भी बड़े उत्साह से जी इसे अपने खेत में डालते हैं और अपनी पैदावार बढ़ाते हैं, जिससे उनकी पैदावार तो बढ़ती ही बढ़ती है, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है जी। बरकतपुर पिछले कई साल से किसानों को कृषि यंत्र जैसे रिजर जी एमबी प्लाउ वितरित कर रही है,
और ये सारे रिजर्व बहुत अच्छी कंपनी से जैसे मित्तल से या किसी दूसरे सोर्स से लेके हम किसानों को देते हैं, और ये कॉस्ट टू कॉस्ट हम उनको दे देते हैं, तो किसान को बाजार से सस्ता भी पड़ता है और अच्छा यंत्र उपलब्ध हो जाते हैं उनको। जी चीनी मिल से पिछले कई साल से हम कृषि में उपयोग होने वाली खाद, कीटनाशक सस्ती दर पे अच्छी कंपनियों का मंगा के किसानों जी को उपलब्ध कराते हैं। और हमारे यहाँ से कृषक एक, हमने अभी पिछले 2 साल से स्कीम चलाई है जिसमें हम कृषकों को पेड़ी प्रबंधन के लिए रेटून मैनेजर या पेड़ी जी प्रबंधक मशीन उपलब्ध कराते हैं। इस वर्ष हमने 40 रेटून मैनेजर्स मंगाए हैं। जो भी किसान अपनी पेड़ी में रेटून मैनेजर चलाना चाहते हैं जी उनको रेटून मैनेजर खरीदना नहीं है, फैक्ट्री उनको उपलब्ध करा देगी। रेटून मैनेजर मशीन जब खेत में चलती है तो लगभग लगभग 10 से 15% पेड़ी की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी उसका स्पष्ट कारण, कोई एकमात्र कारण है तो रेटून मैनेजर एक लेवल से पेड़ी में मूड़ काट देता, जिसके साथ के कारण ना किल्लों की संख्या भी बढ़ जाती है और सारे गन्ने एक समान हाइट के हो जाते हैं, तो गन्ने की मिलेबल केन्स की संख्या बढ़ जाती है। जी रेटून मैनेजर चलने के बाद जो खेत की सूखी पत्ती होती है, जो कि किसान नॉर्मली खेत में ही छोड़ देते हैं, जी रेटून मैनेजर उस पत्ती को भी मिट्टी में मिक्स कर देता है, जो 1 महीने में सड़के खाद बन जाती है। तो जी इस तरह से कई लाभ रेटून मैनेजर के किसानों को मिलते मिलते हैं। हैं। प्लस पिछले वर्ष भी जिन्होंने रेटून मैनेजर मशीन चलाई है उनकी पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई है, जी और इस वर्ष बहुत सारे नए लोग जी भी रेटून मैनेजर मशीन का उपयोग करेंगे। तो करें मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप मशीन को परचेज ना करें, फैक्ट्री आपको वो सुविधा उपलब्ध करा देगी, करें मशीन आपको दे देगी, आपने तो सिर्फ उसको अपने खेत में प्रयोग करके अपनी पेड़ी की पैदावार बढ़ानी है। पेड़ी की पैदावार हमेशा ही पौधे से कम रहती है, जी तो रेटून मैनेजर चलने के बाद आपकी वो समस्या हल हो जाए। खत्म हो जाएगी। एक और उसमें एक फायदा ये होता है कि एक सारे ही गन्ने एक हाइट के हो जाते हैं, सबकी लंबाई एक जैसी हो जाती है, तो गन्ने की हार्वेस्टिंग में किसानों को दिक्कत नहीं आती है, कम पैसे में और अच्छी गन्ना हार्वेस्ट हो जाता है। गन्ने की लोडिंग में दिक्कत नहीं आती है, नहीं तो कोई गन्ना छोटा रहता है, कोई गन्ना मेड़े में बड़ा हो जाता है, जी तो ये उससे सुविधा हासिल होती है। पिछले 2 साल से हमने किसानों को CO 1523 प्रजाति का बीज उपलब्ध जी कराना शुरू किया था। जी CO 1523 प्रजाति निश्चित रूप से 38 से ज्यादा वजन देने वाली प्रजाति है। जी पेड़ी बहुत अच्छी होती है, गन्ना स्वस्थ है, गन्ने में वजन है। अगर आप एवरेज केन वेट की बात करेंगे जी तो 38 से ज्यादा केन वेट, एवरेज केन वेट 1523 प्रजाति में निकलता है। जी तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी कृषक भाइयों से ये अनुरोध करूंगा जी कि 1523 का रकबा थोड़ा थोड़ा जरूर इस वर्ष बोलें, जी और उसके लिए फैक्ट्री का जो कर्मचारी फील्ड में हमारे फील्ड सुपरवाइजर ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क कर लें, वो आपको 1523 का बीज उपलब्ध जी करा देंगे। जी अपने पास आज की तारीख में लगभग 100%, 99% रकबे में एक ही बीज बचा है, 238। जी 238 रेड रॉट से ग्रसित हो चुकी है, ये बहुत लंबा चलने की इसकी संभावना नहीं नहीं नजर जी आती है। तो अगर ये रोग इसमें आ गया तो आपके खेत खड़े खड़े सूख जाएंगे, जी फैक्ट्री और किसान दोनों का उससे नुकसान होगा। तो आज ये आवश्यक है कि कृषक भाई थोड़ा थोड़ा बीज के लिए ही सही अपने पास, जो आगामी बसंतकालीन बुआई है इसमें 1523 का बीज थोड़ा जी सा लगा लें, जी बीज के लिए गन्ना उपलब्ध हो जाएगा और वे साथ इसको जी आगे बढ़ा लें। तो एक प्रजाति और हमने 2 वर्ष पहले उपलब्ध कराई थी, CO 118। जी 118 भी बहुत अच्छी प्रजाति बढ़िया है। जी 118 का पौधे गन्ने का वजन निश्चित रूप से 38 से ज्यादा आता है, जी उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी रहती है तो पेड़ी में रहती है। जी तो अच्छी पेड़ी लेने के लिए उसमें भी रेटून मैनेजर का प्रयोग करें तो आपकी पेड़ी की पैदावार भी 118 में कम नहीं आएगी। जी 118 की एक और खासियत है कि उसमें बोरर कम लगते हैं, जी कीड़े का प्रकोप कम है, तो कीड़े आपका खर्चा भी कम होगा। जी तो मेरा ये अनुरोध रहेगा सभी किसान भाइयों से कि अपने क्षेत्र में, अपने खेत में इसका प्रयोग, अपने इन दोनों वेराइटियों को अवश्य बोके जी बीज के लिए गन्ना पैदा कर लें। तो इस तरीके से डेवलपमेंट की बहुत सारी योजनाएं हम इस वर्ष चला रहे हैं। जी एक और हमने वाइट ग्लव से बचने के लिए,
एक ट्रैप बनवाया था, तो ट्रैप 400-500 रुपए का लोकली मार्केट में बन जाता। जी किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि उस ट्रैप को भी बनवा लें, हमारे कर्मचारी से संपर्क कर लें, वो आपके बनवाने में हेल्प कर देंगे। उसमें केमिकल लगता है, वो केमिकल चीनी मिल से निःशुल्क दिया जाएगा। जी तो ट्रैप लेके कहीं भी अपने पेड़ पे, खेत में पेड़ पे या ट्यूबवेल पे टांग लें, अगले वाले आने वाले 2 साल के अंदर अंदर आपका वाइल्ड ग्रब की अगर समस्या आपके खेत में तो 100% खत्म हो जाएगी, और वो फ्री का और बहुत सस्ता है इलाज। उसके लिए कोई महंगा केमिकल या कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं नहीं रहेगी आपको। किसान भाई को चीनी मिल ट्राइकोडर्मा उपलब्ध करा रही है। ट्राइकोडर्मा एक लाभदायक फंगस है, फफूंद है। गन्ने की फसल में लगने वाली जो भी रोग है, जो भी फंगस से फैलते हैं, तो ट्राइकोडर्मा उस फंगस को रोक देगी। तो आप मील की मैली ले जा रहे हैं या अपने पास गोबर की सड़ी हुई खाद है, तो उस पर ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करके अभी 1-1.5 महीने के लिए छोड़ दें। ये ट्राइकोडर्मा आपकी मील की मैली हो या गोबर की खाद हो, इसको सड़ा के खाद में कन्वर्ट कर देगी। एक फायदा होगा। दूसरा, जब ये आप इसको जमीन में डालेंगे तो ट्राइकोडर्मा जमीन में अपने आप को मिट्टी में फैला लेगी। तो ट्राइकोडर्मा जड़ के आसपास अपने को विकसित कर लेती है, तो उसके कारण कोई हानिकारक फफूंद गन्ने में प्रवेश नहीं करती और आपका गन्ना बहुत सारी बीमारियों के प्रकोप से बस बच जाता है। तो एक ट्राइकोडर्मा सस्ती है, अच्छा एक जैविक कीटनाशी है, उसको अवश्य प्रयोग करें। तो मैं पुनः किसान भाइयों से दो अनुरोध करूंगा कि रेटून मैनेजर अवश्य लगाएं, नई प्रजाति 15U23 या 118 को अवश्य अपने आगामी बसंतकालीन बुआई में बोलें, उसके लिए मील बीज उपलब्ध करा देगी आपको। और रेटून मैनेजर का प्रयोग अवश्य, जिससे आपकी पेड़ की पैदावार बढ़ सके। किसान भाई, अच्छी पैदावार लेने के लिए आवश्यक है कि आप यदि नेड़ी गुड़ से गन्ना बोते हैं तो अपनी गन्ने की दूरी अवश्य बढ़ाएं। एक चीनी मिल के आंकड़े बताते हैं कि हमारे क्षेत्र के वे गांव जो 100% या 90% दूरी से गन्ना बोते हैं, जैसे तिसोत्रा गांव है या मानपुर है या बहेड़ा है या बहादुर प्रोजेक्ट है, उनकी जो औसत सप्लाई है पर बीघा वो ज्यादा है, ज्यादा है उन गांवों से, ज्यादा है जो नेड़ी गुड़ पे गन्ना बोते हैं। चौड़ी गुड़ पे से आप जब गन्ना बोते हैं तो एक विशेष लाभ ये मिलता है कि चौड़ी गुड़ पे बोए गन्ने की हर पत्ती को धूप मिलती है। तो धूप मिलने के कारण फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, पौधा ज्यादा भोजन बनाता है, पत्ती में ज्यादा भोजन बनता है और वो ज्यादा पौधे में सिंचित होता है। तो जिससे गन्ने की मोटाई और वजन बढ़ता है। जब आप गन्ने को नेड़ी गुड़ पे बोते हैं तो वो लंबा लंबा भागता है ऊपर, उसकी लंबाई बढ़ती है, मोटाई नहीं बढ़ती, लंबाई बढ़ती है। वो लंबाई इसलिए बढ़ती है कि उसको धूप चाहिए, और नेड़ी गुड़ पे बोने के कारण एक लाइन के गुड़ की पत्ती दूसरी लाइन की गुड़ की पत्ती में भिड़ जाती है, आपस में क्रॉस हो जाती है। तो इसके कारण बहुत सारी पत्तियां 50% पत्ती हर समय छाया में रहती है। तो जब आप दूरी पे गन्ना बोएंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, हर पत्ती को धूप मिलेगी, वो भोजन बनाएगी और गन्ने की पैदावार बढ़ती है। दूरी पे गन्ना बोने के कारण आप बहुत सारे काम जैसे ट्रैक्टर चलाना, उसका निराई गुड़ाई करना या कोई स्प्रे करना, कोई और भी कार्यक्रम होगा, बधाई आप आसानी से कर सकते हैं। गन्ना को हार्वेस्टिंग में दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों ने दूरी पे गन्ना बोया है उनसे सीख लें, मेरा भी अनुरोध यह रहेगा कि दूरी बढ़ाएं। उसके लिए फैक्ट्री रिजर्व उपलब्ध करा रही है, दूरी वाले फैक्ट्री से रिजर्व ले लें और अपनी दूरी बढ़ा के अपने गन्ने की पैदावार अवश्य बढ़ाएं। किसान साथियों, ये एमबी पिलाव है, एमबी पिलाव है, उधर मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर ये रेड टोन मैंने रखा है। कुलवीर ताऊ जी को इसका बहुत ही अच्छा ज्ञान है, किसी दिन इसकी अलग से ही वीडियो बनाएंगे हम। ये तारा वालों के हैं, देख ही सकते हो। ये इधर लेजर रखे हैं और उधर देखो बनाया भी जा रहा है लेजर, इसमें बोल्ट सेट करके फ्रेम लगा के बनाया जाएगा। इधर भैया बना भी रहे हैं, देख सकते हो आप किसान साथियों। ये क्या किसान साथियों, रेटोन मैनेजर का फ्रेम है, ये देख ही सकते हो आप। और उधर लेजर रखे हैं, मैंने आपको दिखा दिया है मित्तल वालों के। इधर तारा वालों के ये रेटोन मैनेजर है। किसान साथियों, एक बात और बता दूं मैं, चलाने के लिए फ्री हैं। अगर कोई अभी अगर किसान साथी उत्तम शुगर मिल से ताल्लुका रखता है तो वो इसे लेके जा सकता है और अपने खेत में काल के ला सकता है, फिर यहाँ पर खड़ी हो जाएगा। है ताऊ जी ऐसी? तो हाँ देख सकते हो आप। और लेजर का भी यही व्यवस्था होगी? लेजर बोल्ट,
अच्छा लेजर मॉल को है, और एमबी पलाव भी, एमबी पलाव ऐसे ही है, बहुत ही बढ़िया जी। मॉल को भी ले सकता है अगर कोई, कम दामों में मिल जाएंगे, निजी लेना चाहता है, बहुत ही बढ़िया। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं जी एम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इतना कीमती समय दिया। और किसान साथियों, मैं एक जानकारी और दे दूँ आपको, जो हमारी उत्तम शुगर मिल बरकतपुर है, जो भी किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं, कोई भी किसान भाई हो, जो भी ट्रंच की खेती करते हैं, वो रेटून मैनेजर लेकर जा सकते हैं और अपने खेत में चला सकते हैं, और फिर लाकर रख सकते हैं मिल द्वारा। बिल्कुल फ्री सेवा है ये, बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है मिल ने हमारे किसानों भाई के लिए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम।